कैसे हो दोस्तों? प्रैक्टिकल बात करेंगे। कभी कभी एडवांस बुकिंग जल्दी खोलने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मैं एडवांटेजेस इस बात के कि एडवांस बुकिंग अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन बात तो तब है ना जब एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज ओपन हो तो कुछ दम दिखेगा ना। आप एडवांस बुकिंग भाई आपका आपने मतलब चुनिंदा जगह पे चुनिंदा थिएटर्स में ओपन किया है, क्या उसका इम्पैक्ट दिखेगा? फिर एडवांस बुकिंग शुरू ही नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। अब डिसएडवांटेजेस कैसे रहते हैं देखो, सिंपल बात है। एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदा ये रहता है कि चलो जल्दी तो शुरू हुआ एडवांस बुकिंग, पर फुल फ्लेज मतलब पूरा का पूरा एडवांस बुकिंग ओपन करोगे आप भारत का तो फ़ायदा है, अगर नहीं करने वाले हो तो वो डिसएडवांटेज में जाता है यानी कि नुकसान में जाता है। इट्स लाइक कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए फिर मौका ही चाहिए कि अरे भाई दो दिन से शुरू हुआ है लेकिन इतू सा हुआ है। आपको तो पता है लीजेंडरी यूट्यूबर से अपने भारत के, तो 13 लाख का एडवांस बुकिंग मैदान का अभी तक मैंने देखने को मिला है, और वो बता दिया मैंने आपको हरियाणा महाराष्ट्र दिल्ली महाराष्ट्र में मुंबई में ओके भोपाल में भी आई थिंक कुछ जगह पे हुआ था। भोपाल का इतना नहीं है मेरे पास रिपोर्ट, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का है वो रिपोर्ट मेरे पास, पर एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ फिर भी इन लोगों ने एक तरीका यूज़ करना चाहिए था कि भाई कोलकाता वगैरह जो है वहाँ पे फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन कर देना चाहिए था। जो फुटबॉल लवर स्टेट्स है स्पेशली ज़्यादा जहाँ पे चलता है, इवन मुंबई में भी चलता है, सिटीज़ की भी बात करूँ तो मुंबई कोलकाता चालू कर देना चाहिए था, फुल फ्लेज करना चाहिए था। इनफैक्ट आप चेन्नई की बात करो, केरला की बात करो, मेघालय की बात करो, आसाम वगैरह, मतलब वहाँ पे तो आप फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग कर सकते थे ना मिस्टर बोनी कपूर, तो ये मैं समझ नहीं पाया। तो अब ये जो एडवांस बुकिंग है, अबे दिखने में ऐसा दिखता है कि यार कल परसों से शुरू हुआ है लेकिन 13 लाख का ही हुआ है, कोई क्रेज़ नहीं है, 150 करोड़ बजट है। अरे भाई पर ऐसा नहीं है ना, रियलिटी कुछ और है। अब मान के चलो कि भाई पूरा इतना बड़ा भारत देश है, उसमें से चुनिंदा जगह पे वो भी चुनिंदा थिएटर्स में वो भी कम शोज़, मतलब ऐसा भी नहीं कि मान के चलो एक PVR का कोई कई जगह पे है तो उसके भी सारे शोज़ का नहीं है वो एडवांस बुकिंग, बस एक दो शोज़, तो उसमें क्या आने वाला है? तो जो लोग बोल रहे कि यार 2-3 दिनों में हुआ है इतना कम चल रहा है, तो भाई ये भी तो देखो कि हुआ ही कितनी जगह पर एडवांस बुकिंग। और इसीलिए ना मैं एडवांस बुकिंग देने का टाल रहा था, लेकिन बहुत से लोग भाई एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है कल से ही, मुझे इंस्टाग्राम पे भी दिग्विजय बोनोटे आप सर्च कर लीजिए दोस्तों, आपको मेरा आईडी मिल जाएगा वहाँ पे भी बहुत से लोगों ने स्पेशली कमेंट्स किए सर उस पर वीडियो बनाओ। अरे भाई वो बाद में ऐसा है कि हम तो बना देंगे पर वो आपको दिखेगा कम कि यार इतने 2-3 दिन में, लोग क्या बोलते हैं अरे 2 दिन में एडवांस बुकिंग 13 लाख हुआ तो क्या फ़ायदा। तो अगर यही फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग हुआ रहता ना तो भाई बाप लेवल का हो जाता एडवांस बुकिंग भी। अब ये इतना कम जगह पे इसीलिए मैं बना नहीं रहा था वीडियो, पर अब इतने मैसेज आए अब अभी तो मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया था कि सुबह बनाऊंगा, जो मैंने बनाया भी था, आपने ज़्यादा शेयर तो किया नहीं वो वीडियो। मैंने बार बार बोला है कि मैदान को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा बॉस, आपको वीडियो शेयर करने पड़ेंगे, हेटर्स भी बहुत है इस भी ये फिल्म के भी हेटर्स है, ऐसा मत समझो कि नहीं है, तो आपको वीडियो शेयर करने पड़ेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। शैतान के वक्त आपने किया था वो, मैदान को भी करो भाई सपोर्ट, वो तो उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा बजट वाली फिल्म है भाई, 2 गुने से भी ज़्यादा बजट है, शेयर करो बॉस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ सीरियस इशू। और अभी एडवांस बुकिंग का अजय फैंस ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल से फुल एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगा, तब पल पल की अपडेट देने की कोशिश करूँगा मैं एडवांस बुकिंग की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का भी दूंगा, पर अभी उसका भी शुरू नहीं हुआ है। तो कल से भाई देयर इज़ हाई चांस कि फुल फ्लेज होने वाला है, आई जस्ट होप कि मैदान का फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग हो। शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, टेक केयर।